Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohammed Fahim Hussain. So how are you all? I hope you all are fine, you all are doing well. Okay, so in last two video we studied about present tense and past tense. So in this video we are going to learn about future. So before proceeding ahead, so I want to request from you all guys that agar aap video start kar rahe hain to usko एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, ओके? बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. मैं बेसिक नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी आपको बताऊंगा जो इट विल रियली हेल्प यू गाइस, ओके? एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट पढ़ते रहिए, जस्ट ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन मोर एंड मोर, ओके? इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू हैव नॉलेज, देन यू विल गेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ओके? सो फ्यूचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर क्या होता है, लाइक वॉट एवर द थिंग विच वी आर प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर, ओके? जस्ट लाइक मैंने पास्ट में जो सोचा था, मैं बता रहा हूं, मैं जो पास्ट में सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, आप लोग को टेंस पढ़ाऊंगा, तो वो मेरा क्या था, फ्यूचर था. और अब मेरा जो प्रेजेंट है, अगर मान के चलिए अभी मैंने जस्ट लाइक कि मैंने ये एक्टिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में मैं पैसिव पढ़ाऊंगा, तो वो क्या हुआ, मेरा फ्यूचर का है. मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में पैसिव वॉइस पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, तो वो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, ओके? सो इन दिस वीडियो द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर इज फ्यूचर इंडिफिनिट. वट इट इज फ्यूचर इंडिफिनिट, और उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, ठीक है? सिंपल फ्यूचर बोलते हैं. तो वो स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं अब, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल और प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये याद रखें, वी वन इसमें हमें हमेशा लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब आते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है, क्या कब यूज करते हैं उसको, ठीक है? सो इट शोज फ्यूचर और द वर्क विल हैपन इन फ्यूचर. ये दिखाता है जो काम फ्यूचर में होगा, कोई भी काम हो जो फ्यूचर में होगा. जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल दिखा बताया कि मैं पैसिव वॉइस पर वीडियो बनाऊंगा, तो मतलब कि क्या है, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सारे चीज हम फ्यूचर की बात करेंगे. इसका अगर पहचानना है अगर आपको हिंदी से, सो गा है, गी है, गे है, मतलब कि ये हिंदी से अगर पहचानना है आपको, जिसके लास्ट में हिंदी में लाइक मैं खाना खाऊंगा, मैं वह गाना गाएगी, गी आया ना गाया गया, वह क्रिकेट खेलेगा, गा आया कि नहीं आया, मतलब कि जिसके हिंदी में गा गी गे रहेगा तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया. इट शोज फ्यूचर, मतलब कि वो फ्यूचर दिखाता है, भविष्य दिखाता है. और द वर्क विल हैपन इन फ्यूचर, हैपन का मतलब होता है होना, जो काम फ्यूचर में भविष्य में होगा उसको हम यूज करते हैं. तो ये है सिंपल फ्यूचर. अब आते हैं एग्जाम्पल पर. एग्जाम्पल क्या है, फहीम सर विल टीच प्रोनंसिएशन. फहीम सर हैं, प्रोनंसिएशन सिखाएंगे. यस गाइस, सो लाइक आई विल नॉट टीच यू ग्रामर एज वेल एज आई विल टीच यू प्रोनंसिएशन ऑल्सो, हाउ टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड्स. सो इसके लिए आप बने रहिए, वीडियोज मेरा देखते रहिए, आपको हर एक चीज मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन पे भी वीडियो आएगा, ओके? सो इसको देखिए, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं, प्रोनंसिएशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोनंसिएशन. इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है आपके लिए, प्रोनंसिएशन, ओके? तो फहीम सर विल टीच प्रोनंसिएशन. फहीम सर है प्रोनंसिएशन. प्रोनंसिएशन का हिंदी होता है उच्चारण. फहीम सर उच्चारण पढ़ाएंगे, ठीक है? सो गे आया ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, अब सेकेंड एग्जाम्पल पर देखते हैं. बिहार विल बिकम अ डेवलप्ड स्टेट. बिहार है जो एक विकसित राज बनेगा, ओके? तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सो आई होप दैट हम चाहते हैं कि हमारा बिहार भी आगे जाए, एक डेवलप्ड स्टेट होगा, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वी ऑल आर वर्किंग गाइस. इसलिए मैं भी वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको घर बैठे सारा फ्री एजुकेशन, आपको सब चीज प्रोवाइड हो सके, ठीक है? सो बिहार विल बिकम अ डेवलप्ड स्टेट. डेवलप्ड एक एडजेक्टिव है, डेवलप एक
एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव बोलते हैं, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव। और चीज बताऊं तो एडजस्ट नहीं बोलते हैं, एडजस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये डेवलप एक एडजेक्टिव है। सो बिहार विल बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, बिहार एक विकसित राज बनेगा, गा है ना लास्ट में, हाँ। सो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड में वी विल विजिट गया सिटी। सो एज यू नो दैट आई लिव इन गया, मैं गया में रहता हूं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वी विल विजिट गया सिटी, हम लोग गया सिटी घूमेंगे, ठीक है ना। सो वी विल विजिट गया सिटी। सो ये सारा ये था आपका एग्जाम्पल। ओके, अब आते हैं कि लाइक कंफ्यूजन होता है, लाइक मेनी स्टूडेंट्स दे हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट वेयर शुड वी यूज आई एंड वेयर शुड वी यूज वी, लाइक शैल किसके साथ यूज करें, विल किसके साथ यूज करें। ओके, लाइक देखिए पहले तो हम पढ़ते थे, अगर मैं आपको पहले बता दूं पहले हम क्या यूज करते थे, दोनों चीज बताऊंगा, पहले मॉडर्न इंग्लिश का भी और पहले का भी। पहले का अगर हम लेके चले तो पहले हम यूज करते थे आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, ये हम सीखे हैं। और ही शी इट नेम दे प्लूरल के साथ विल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने सीखा था कि शैल के साथ आई और वी लगाते थे, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश अब हम शैल की यूज कम करते हैं, अब ज्यादा यूज हम विल का ही करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको इसको आप याद रखिएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है कि शैल किसके साथ यूज करें, विल किसके साथ यूज करें। बस नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते थे और अभी भी कभी कभी करते हैं, बट अब उसका यूज कम होता है शैल का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। अब आते हैं कि ये तो बेसिक चीज था जो हमने सीखा, अब आते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प होगा, ठीक है। मैं बताऊं विल शैल है जो एक तो फ्यूचर में यूज होता ही है और ये एक मॉडल भी है, मोडल्स नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मॉडल, मॉडल। इसलिए देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में आपके लिए लिखा हूं, मॉडल बोलते हैं उसको, मोडल्स नहीं बोलते हैं। सो ट्राई टू कीप, ट्राई टू टेक केयर अबाउट दैट, ओके। सो ये विल और शैल है जो वो मॉडल वर्ब भी होता है, ठीक है ना। तो अब विल और शैल, विल का जो मैं बताता हूं आपको, यहां पर शैल मैंने लिख दिया, सॉरी, ओके। सो विल का मैं आपको यूज बताता हूं, विल किस किस चीज में भी यूज होता है, जस्ट लाइक मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था ना कि फ्यूचर कंफर्मेशन भी बताता है, जस्ट लाइक अगर मेरा बैग पैक है, टिकट कंफर्म है, मेरे को कल जाना है, तो मैं वहां पे आई विल गो टू पटना नहीं लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू पटना लगाऊंगा। ये मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात किया था ना कि फ्यूचर में भी यूज करते हैं, तो यहां पे भी बात करें विल कहां कहां यूज करते हैं। विल यूज करते हैं जब डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन नॉट प्रोनाउंसिएशन इज डिटर्मिनेशन। सो हम ग्रामर के साथ साथ हम प्रोनाउंसिएशन भी सीखते चले जाएंगे, ग्रामर के साथ साथ हम प्रोनाउंसिएशन भी सीखते चले जाएंगे। तो वो डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प, अगर हम हिंदी देखें तो पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प होता है। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है कि विल ये भी शो करता है कि आप कोई चीज करने वाले हो फ्यूचर में जो कि कंफर्म है, तब करके रहोगे। आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मतलब कि ये क्या है, मेरा पक्का इरादा है कि हम आईएएस ऑफिसर बन के ही रहेंगे। तो ये विल हम उस टाइम भी यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रॉमिस के लिए यूज करते हैं, हम कोई वादा आपको करेंगे, जस्ट लाइक मैं वादा करूंगा गाइज आई विल मेक वीडियो ऑन मॉडल WH प्रपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन नॉट प्रपोजिशन, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन नॉट, इट इज प्रपोजिशन, प्रोनाउंसिएशन इसका है प्रपोजिशन। तो ये क्या, मैं एक वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि मैं गाइज आपके लिए वीडियो लाऊंगा प्रपोजिशन पे, मॉडल पे और WH वर्ड्स पे। तो ये क्या है, विल को हम फ्यूचर के लिए नहीं, वादा के लिए भी यूज कर रहे हैं, पक्का इरादा के लिए भी यूज कर रहे हैं, कोई चीज हम किसी कोई ठान लिए कि करके रहेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉमिस के लिए भी यूज करते हैं, सेकंड चीज मैंने बताया। अब आते हैं थर्ड वे, थ्रेट, थ्रेट इट इज अ वर्ब होता है जिसका हिंदी होता है धमकी, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मैंने बताया, मैं हिंदी में लिख लिया हूं, डिटर्मिनेशन इसका मतलब होता है पक्का इरादा, जो चीज ठान लिया करूंगा करूंगा, दृढ़ संकल्प भी होता है। प्रॉमिस का मतलब वादा होता है, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, मतलब किसी को मैं धमकी दे रहा हूं तब भी विल यूज करूंगा, जस्ट लाइक आई विल किल यू, ठीक है, मैं मतलब कि क्या किसी को धमकी दे रहा हूं तुम्हें मैं मार दूंगा,
ठीक है ना। तो ये क्या, इसके लिए विल को हम धमकी के लिए भी यूज करते हैं। तो ये एक चीज था यार। तो ये आप इसको, तो ये तीन चीज है जो मैं हम विल को यूज करते हैं। सो अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज, सो शैल का यूज मैं आपको बताता हूं। शैल का यूज एक जगह हम करते हैं, जस्ट लाइक किसी को ऑफर देने के लिए, जस्ट लाइक शैल आई ओपन विंडो फॉर यू, मतलब किसी को ऑफर के लिए दे रहे, क्या मैं आपके लिए खिड़की खोल दूं। तो ये क्या है, शैल का हम यूज यहां पर भी करते हैं। मैंने लिखा नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा गाइस। ओके, इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है गाइस। सो शैल का हम यूज कहां भी करते हैं, किसी को ऑफर देने की, जस्ट लाइक शैल आई ओपन विंडो फॉर यू, मतलब क्या मैं आपके लिए खिड़की खोल दूं। सो ये वहां पर शैल का यूज करते हैं। सो गाइस, इट वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए गाइस, देख लीजिए इसको। यस गाइस, सो हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ लिया, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर को क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर का, जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा कि जो काम कंटिन्यू होता है, मतलब कि जो वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब कि जो काम चल रहा है कंटिन्यूटी में है। तो इसमें हम फ्यूचर में बात करेंगे, मतलब कि जो काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर की हम बात करें, जो काम फ्यूचर में होते रहेगा, मैं खाना खाता रहूंगा, मैं इस पर बोलते रहूंगा, ठीक है ना, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। तो मतलब कि क्या बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूटी में रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बात, हम स्ट्रक्चर पर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे साथ आप बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर ये बी कहां से आ गया है, यहां पर बी कहां से आ गया, तो मैं आपको बताता हूं यार बी कहां से आया, ठीक है ना। तो हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था सिंपल फ्यूचर में, कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन, शैल या विल हमेशा वी वन लेता है, तो B क्या है, V1 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, देखिए आप देख सकते हैं B V1, बाजवर V2 है, बीन V3 है और बीन V4 है, ठीक है ना। सो इसलिए हमने क्या लिया, B लिया, क्योंकि B V1 है और शैल या विल को V1 तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए B हमने लिया, ठीक है। तो B प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। It shows that the work will be done in future continuously. It shows that the work will be done. अब देखिए यहाँ पे will be plus done आ गया। यहाँ पे be के साथ V3 भी लगता है, V4 भी लगता है। तो V3 वाला हम next part में पढ़ेंगे, अभी हम V4 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको confusion नहीं होना है कि सर done कैसे लगाते हैं। Do, did, done, V3 form होता है ना, तो ये भी लगाते हैं, B के साथ V3 भी लगाते हैं। तो next part में हम पढ़ेंगे, अभी हम V4 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको confusion नहीं होना। तो ये बता रहा है कि it shows that the work will be done in future continuously, मतलब कि ये बता रहा है जो काम future में होगा, खत्म होगा, मगर लगातार चलते रहेगा, ठीक है ना। फ्यूचर में जो काम होगा वो लगातार चलते रहेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, द वर्क विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, जो काम फ्यूचर में लगातार चलते रहेगा। अब आते हैं एग्जांपल पे, एग्जांपल क्या होता है इसका। आई विल बी टीचिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल जान रहे हैं हम, ए एन द दी जो पढ़ते हैं हम, आर्टिकल्स है। तो ये मैंने बताया, मैं फ्यूचर में जो भी हूँ वो आपको जो है पढ़ाता रहूंगा, हिंदी से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी से पकड़ना है कि हिंदी से आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसलिए हम इसको रहेगा, रहेगी, रहेगी, रहेंगे, जो काम करता रहेगा, करते रहेंगे, करती रहेगी, तो हिंदी से हम ऐसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, करता रहेगा, करती रहेगी, करते रहेंगे, मतलब कि ये फ्यूचर का बता रहे, कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर आपको हिंदी से बताना, वह खाना खाता रहेगा, आया ना आएगा, वह गाना गाती रहेगी, इट मींस दैट शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है, रहेगी आया, मतलब कि वो गाना है जो लगातार गाती रहेगी, कंटिन्यूटी में रहेगा, ठीक है। सो हिंदी से हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। आते हैं अब एग्जांपल, तो मैंने बताया आई विल बी टीचिंग आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल पढ़ाता रहूंगा, मतलब कि फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा, और
एक सेकंड के लिए नहीं ना पढ़ाऊंगा कोई भी है, या तो मैं उस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में रहेगा, वो प्रोसेस जो जारी रहेगा मैं उसको कंटिन्यूटी में रहूंगा, तो वो आई विल बी टीचिंग आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल पढ़ाता रहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ते हैं हम, स्टूडेंट्स विल बी स्पीकिंग ऑन पॉल्यूशन, मतलब स्टूडेंट विद्यार्थी हैं जो वो पॉल्यूशन पे बोलते रहेंगे, वो है एक टॉपिक है पॉल्यूशन, तो वो उस पे क्या है वो बोलते रहेंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आते थर्ड पर, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम है जो क्रिकेट खेलता रहेगा, राम है जो क्रिकेट खेलता रहेगा। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूटी दिखाता है, जो काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है। सो आप गाइस इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार अच्छे से। यस गाइस, सो हमने फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ लिया, जिसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, और हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने थर्ड पार्ट फ्यूचर का, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब क्या है? जस्ट लाइक हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था ना, जो काम पूरा कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में, तो इसलिए हम उसको परफेक्ट बोल रहे हैं। जो काम पूरा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए हम उसको परफेक्ट बोल रहे हैं। तो वही चीज हम फ्यूचर परफेक्ट में भी पढ़ेंगे, जो काम फ्यूचर में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो काम फ्यूचर में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो यस गाइज, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस टाइम। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस टाइम। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है सिर्फ V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बट गाइज यहाँ पर बाई प्लस टाइम लगाते हैं, वो टेम्पररी यूज के लिए है सिर्फ, ऑब्जेक्ट नॉर्मल यूज के लिए, बट रियल चीज अगर हमको पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, तो बाई प्लस टाइम लगाना है, तभी वो जाकर एग्जैक्ट हुआ, अप्रोप्रिएट हुआ, ठीक है ना। सो बाई प्लस टाइम लगाते। अब यहाँ पर सोचेंगे कि बाई क्यों लगाए, टाइम के लिए बाय क्यों लगा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं अभी बता देता हूं, देखिए यहां पर बाय हम टाइम बताने के लिए भी यूज करते हैं, बाय एक प्रपोजिशन के लिए यूज, प्रपोजिशन है जो हम यूज करते हैं, इट शोज टाइम, बाय है जो टाइम भी दिखाता है। जस्ट लाइक मैं आई विल रीच होम बाय 4 PM, मतलब कि मैं घर 4 बजे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, तो मैं घर 4 बजे पहुंच जाऊंगा, तो ये क्या मैंने बताया, टाइम देखने के लिए बताया। ऐसे हम बोलते हैं ना, आई विल रीच एट 4 PM, मतलब कि एट 4 PM बोलते हैं, यहाँ मैं बाई 4 PM मतलब मैं घर 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई हम उसके लिए भी यूज करते हैं। तो अब ये अब 4 बजे मतलब कि 4 बजे से 5 मिनट पहले भी हम पहुंच सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर नहीं, अगर एट रहता तो मतलब कि प्रॉपर 4 ही बजे पहुंचते, बाय लगा मतलब कि 5 मिनट पहले भी हम पहुंच सकते हैं, तो बाय हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे, हम यहाँ स्ट्रक्चर समझ लिए, अब एक्सप्लेनेशन आता है। इट शोज दैट द एक्शन इज प्लान्ड एंड टू हैपन बिफोर गिवन टाइम, ये दिखाता है कि जो एक्शन है वो प्लान है, पहले से होने वाला है। ओके, टाइम के टाइम जैसे कि इट शोज दैट द एक्शन इज प्लान टू हैपन बिफोर गिवन टाइम, मतलब कि जो काम है समय से दिए पहले से खत्म होने को है। जस्ट लाइक मैं बोलूंगा फ्यूचर में जो कि मेरे को टेंस पढ़ना है, तो मैंने क्या पहले प्लान बनाया फिर उसको पढ़ूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान पहले कर रहा हूँ उसके बाद उस चीज को काम करूंगा, तो वही इसको बोल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब जो चीज हम पहले प्लान कर लेंगे कि हम उसको फ्यूचर में करना है और वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव टेकन लंच बाई 2 PM, मैं लंच 2 बजे तक ले चुका हूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी से कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई थ्रू हिंदी, ठीक है। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अगर हिंदी में रहे तो हम समझेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वह खाना खा चुकी होगी, हो गया है ना, शी विल हैव टेकन लंच ओके बाई 3 PM,
2 PM। तो ये क्या है, चुकी होगी इसमें आ रहा है, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। अब आता है ये, तो ये हम लोग देख लिया, आई विल हैव टेकन लंच बाय 2 PM, बताया मैं खाना 2 बजे तक खा चुका होगा। शी विल हैव लेफ्ट गया बाय 2023, वह 2023 तक गया छोड़ चुकी होगी, वह गया 2023 तक छोड़ चुकी होगी। तो ये क्या है, मतलब कि उसने पहले प्लान किया, जो लड़की है वो पहले प्लान की कि मेरे को 2023 तक गया को छोड़ना है, तो उसने पहले प्लान किया और फिर वो गिवन टाइम से पहले हो, मतलब कि जो है 2023 तक वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जो पहले प्लान कर रहे हैं और फ्यूचर में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, इंडिया विल हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट करप्शन बाय नेक्स्ट ईयर। As you know that we are facing a big problem which is called as corruption. Okay, it is like too, it is not good for our country. If a country has to be developed, first of all, we have to eradicate corruption. What is the meaning of eradicate? Yes, so what is the meaning of eradicate? Eradicate ka matlab hota hai mita dena, jad se ukhad dena, hata dena, khatm kar dena. Theek hai? So spelling kya hota hai? eradicate. Again, I am repeating, eradicate. Eradicate का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना या मिटा देना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। सो मैंने एग्जाम्पल क्या यूज किया, इंडिया विल हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट करप्शन बाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इंडिया है जो करप्शन के खिलाफ एक्शन ले चुका होगा 2023 नेक्स्ट ईयर तक, मतलब कि इंडिया है जो करप्शन के खिलाफ एक्शन ले चुका होगा नेक्स्ट ईयर तक। तो हम चाहते हैं कि करप्शन हमारे कंट्री से हट जाए ताकि सारा चीज अच्छा चले, हमारा कंट्री बहुत आगे जाए, ठीक है। सो गाइस ये हमने ये कवर कर लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस गाइस, सो हमने फ्यूचर का तीनों पार्ट है जो कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और लास्ट हम लोग जो अभी पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हमने लास्ट वीडियो दो वीडियो मैं बनाया था, प्रेजेंट का और पास्ट का भी वीडियो देख लिया। अगर आपने पास्ट और प्रेजेंट वीडियो नहीं देखा है सो अभी जाइए आप और उसको देखिए पहले, ठीक है। सो गाइस, हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कवर कर लिया, एक्टिव वॉइस हमने पढ़ा है। और मैं एक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल दैट, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसको ज़्यादा क्लियर करना ट्रांसलेशन, तो मैं बोलूँगा एक्सरसाइजेस और बनाइए, जितना हो सके एक्सरसाइजेस बनाइए। गूगल है आपके पास, गूगल से लीजिए, बुक है बुक से लीजिए, ठीक है। सो आपको इसको हेल्प करेगा ट्रांसलेशन बनाने से, इट विल लाइक लॉट ऑफ कॉन्टेंट विल कम इन योर माइंड, तो आप बोलने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो गाइज, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Please guys, just support, just like, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बस सपोर्ट दिखाइए, प्यार ऐसे ही करते रहिए, ओके, और पढ़ते रहिए गाइज। और वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए और सारे लोगों से भी बोलिए, ठीक है गाइज। सो बस आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे हेल्दी नहीं, स्टे हेल्थी, हेल्थ बोलते हैं ना, आधा ला लिखते हैं और था लिखते हैं, सेम थिंग, हेल्थी में क्या वाई आ रहा है सो ई की मात्रा लग जाएगी बस, सो वो क्या हुआ, हेल्थी, वेल्थी, इट इज नॉट वेल्दी, सो ये प्रोनाउंसिएशन। ओके गाइज, सो आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए गाइज। हाँ, एक बार आप इसको देख सकते हैं।